तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम खेलने वाले हैं पोकेमोन रेनेगेड प्लैटिनम 100 घंटों के लिए। इसमें कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं है, लेकिन मैं इसमें एक और स्पेशल चीज ऐड करना चाहता हूं कि मैं पोकेमोन रेनेगेड प्लैटिनम को ऐश की तरह खेलूंगा। यानी कि मैं ऐश के सारे पोकेमोन को इस्तेमाल करूंगा, पर मैं उनके उन्हें बस मैं इतना रूल चेंज कर रहा हूं कि मैं उनके फाइनल एबिलिटीज भी इस्तेमाल कर सकता हूं। मतलब अगर मैंने बल्बसॉर पकड़ा तो मैं उससे वीनसॉर को भी इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन मैंने वो नहीं किया है, वो अलग बात है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद है तो भेज दीजिए करो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस खतरनाक वीडियो को। तो हम शुरुआत में सारे बकबक करते हैं, प्रोफेसर ओवन की बकबक शुरू करते हैं, जिनके पास एक ईवी है जो काफी अच्छी बात है। हमने अपने आप को नेम कर दिया प्रणव और राइवल को नाम कर दिया शिवा। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया यार, मैं क्या ही बोलूं। तेरा भाई पता नहीं क्या करता रहता है। तो गेम के शुरुआत में हमें पूछा जाता है स्टार्टर चॉइस, और आपको पता ही होगा ऐश के पास से चिमचर और टर्टविक दोनों ही हैं, उसके पास टॉर्टेरा एंड इन्फर्नेटो, जो काफ़ी अच्छी बात थी। पर मैंने चिमचर को चूज करना डिसाइड किया क्योंकि टर्टविक लेटर ऑन राउट्स में मिल सकता है, वो अलग बात है, मैंने इस्तेमाल नहीं किया, पर कोई बात नहीं गई। और फिर टर्टविक चिमचर शूट कर चूज करने के बाद शिवा मुझे चैलेंज करता है एक फाइट में, जिससे मैं उसे आराम से चिमचर से स्क्रैच मार मार के उसे दिखा देता हूँ उसकी औकात कि उसकी औकात नहीं मुझसे बैटल करने की, फिर भी वो चैलेंज कर रहा है। ब्रो ये क्या चल रहा है गाइस। और मैंने एक बात नोटिस की कि ये रेनेगेड प्लैटिनम जो है नॉर्मल प्लैटिनम से दो गुना ज्यादा मुश्किल और काफी इंटेंस स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें ऐसे फीचर्स हैं जैसे फेरी टाइप पोकेमोन है और हाँ अपोनेंट्स के पास इम्प्रूव्ड AI जनरेटेड टीम्स हैं, और फिर न्यू एबिलिटीज भी हैं, जैसे मेरे मॉन्फर्नो के पास इन्फर्नेट के पास इवेंचुअली जब मेरा चिमचर इन्फर्नेट बनेगा उसके पास आयरन फिस्ट नाम का एबिलिटी आएगा जो फाइटिंग मूव्स को बूस्ट करता है, मतलब जो मूव्स कॉन्टैक्ट बनाते हैं, जैसे मैक पंच हो गया, क्लोज कॉम्बैक हो गया, थंडर पंच हो गया, फायर पंच हो गया, फ्लेम व्हील हो गया, फ्लैर व्हील हो गया, सारे मूव्स के डैमेज बढ़ जाएंगे आयरन फिस्ट की मदद से। और ये बात करते करते हम पहुंचे जुबिलाइट सिटी में, जहां हमें मिला इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर जिसका नाम था लूकर, और हमने उसके साथ काफी बात की और हमारा मॉन्फर्नो उसी बीच इवॉल्व हो गया और शिवा को करनी थी बैटल, तो मैंने आराम से शिवा को फर्स्ट ट्राई में ही हरा दिया। वो अलग बात है कि फर्स्ट ट्राई मैंने वीडियो में ऐसा दिखाया कि मैं सेकंड ट्राई है, पर ये एक्चुअली फर्स्ट ट्राई का सेकंड ट्राई है। अब आप मैं क्या बोलना चाहता हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर आपको समझ में आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दियो। और उसके बाद हम सीधा जाते हैं और बर्ग सिटी, जहाँ हम मुकाबला करते हैं रॉक से, जो लीड ऑफ करता है एक नोस पैसे और जिसके पास पूरे 6 के 6 पोकेमोन है। और रास्ते में मैंने एक रायोलू पकड़ा जिसे मैंने लुकारियो भी बना लिया, क्योंकि रायोलू को लुकारियो बनाने में फिर फ्रेंडशिप की जरूरत होती है, जिसके लिए आपको बस अराउंड 2000 स्टेप्स वॉक करने उसके साथ, उसके बाद वो ऑटोमेटिक इवॉल्व हो जाएगा। और मैंने एक स्टारले भी पकड़ कर उसे स्टारेविया बना दिया था, जिसका फुटेज मुझे चला गया था, पर कोई बात नहीं, रोल ज्यादा मुश्किल नहीं था गए, लेकिन उसने मुझे स्टेल्थ रॉक दिया जो काफी अच्छी बात है। स्टेल्थ रॉक एक काफी इंपॉर्टेंट सेटिंग टाइम हुआ, और जब मैं वापस जा रहा था तब मैंने देखा कि कुछ गुंडे प्रोफेसर रोवन को परेशान कर रहे थे, तो मैंने और डॉन ने मिलकर उन्हें डबल बैटल में हरा दिया। और मुझे पता चला कि प्रोफेसर रोवन कौन, अगर आपको नहीं पता गाइस तो प्रोफेसर रोवन पोकेमोन एवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, ये मुझे खुद नहीं पता था, पता नहीं आपको पता होगा भी कि नहीं। लेकिन हाँ, हम पहुंचे विंडवेल्स में, जहाँ कमांडर मार्स हमसे बैटल करना चाहते हैं, जिनके पास एक लेवल 19 का पूरा गली। और गई मैंने ओवर ट्रेनिंग कहीं भी नहीं किया, ज्यादातर मैंने अपने पोकेमोन को जितना हो सके उतना कम लेवल रखा, क्योंकि मुझे स्ट्रैटेजी बनाना पसंद है, मुझे ओवर लेवलिंग बनाने में और स्वीपिंग करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता गई। जैसे आप देख सकते हो गार्डेनिया को मैंने आराम से हरा दिया, क्योंकि मेरे पास अब मॉन्फर्नो है एंड स्टारेविया, जिसका इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मॉन्फर्नो ने 1v6 कर दिया गाइस, नाइस। और फिर हम गए गैलेक्टिक हेडक्वार्टर्स में, जहाँ एक लड़की के पापा को परेशान किया जा रहा था, तो मैंने उसके लड़की के पापा को बचाया और कमांडर सैटर्न को भी हरा दिया। जी हाँ गाइस, मैंने कमांडर सैटर्न को हरा दिया, जो बहुत ही ज्यादा आसान फाइट था, और उसने मुझे बदले में साइकिल देने का वादा किया, पर उसने मुझे चूना लगा दिया
उसने मुझे साइकिल वाउचर दिया, लेकिन मुझे साइकिल का लोकेशन कहीं मिला नहीं। पर ये छोटे छोटे से जो स्ट्रिंग्स मिलते हैं हमें ग्राउंड में, अगर हम वो क्लिक करेंगे तो हम अपना साइकिल चला सकते हैं। और रास्ते में मुझे मिली सिंथिया, जो जिसने मुझे कुछ एग दिया जिससे टोगपी हैच हुआ। अब कोई टोगपी हैच का पोकेमोन है या नहीं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि देखो जो एरोडैक्टल के एपिसोड में जब ऐश ने उठाया था, एरोडैक्टल ने ऐश को उठाया था, तब टोगपी का एग ऐश के पास था, तो वो पोकेमोन टेक्निकली ऐश का है पर मिस्टी इस्तेमाल कर रही है। अब मुझे इसका पता नहीं क्या करना, लेकिन मैंने तो इस्तेमाल नहीं किया वो अलग बात है। लेकिन फैंटीना के जिम से जाने से पहले मैंने एक मैंकी पकड़ा एंड मैंने ग्लाइगार भी पकड़ा था, जिसे मैंने नाइट के टाइम में ग्लॉइस पर रिवॉल्व भी कर डाला। एंड मैंने एक और भी पोकेमोन पकड़ा जो जिसका नाम था हॉन्टेड, जिसे मैंने गेंगार में इवॉल्व कर दिया। फिर हमारा मोनपोर्नो भी इंफर्नेम बन गया, स्टेरेविया भी स्टेराप्टर बन गया, गिबिल भी गेबाइट बन गया, पिकाचू भी हमारे टीम में आ गया है। जी हाँ, इतने सारे फुटेज मैंने मिस कर दिया कि क्या ही बोलूंगे, लेकिन मैंने सिर्फ ऐश के पोकेमोन टीम को इस्तेमाल किया होगा। और अब जैसे देख सकते हो ओपोनेंट का मचैम जो है पॉइजन्ड था। अब आपको पता नहीं होगा कि मचैम ऑटोमेटिक पॉइजन क्यों हुआ, क्योंकि मेरे पास तो कोई मुंह है नहीं जिससे वो पॉइजन हो सके। तो बेसिकली मचैम के पास एक गच एबिलिटी और इस गेम में टॉक्सिक और फ्लेम ऑर्ब है। सो आपको तो पता ही, अगर तेरे भाई का स्वेलो मिले तो वो क्या करेगा, वो अलग बात है। मुझे मिल भी गया था आप देखोगे, पर सैडली किसी ने डॉन का पोकेडेक्स चुरा लिया था, तो हमने उसे आराम से हरा डाला। और फिर हमें सेप्टाइल भी मिल गया रास्ते में एक ट्रेनर से, जो काफी इंटरेस्टिंग है। और हम पहुंचे क्रैशर वेग के जिम में, जिसका फ्लोर ड्रिल बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला पोकेमोन है भाई। ये मेरे लगभग सारे पोकेमोन को वन शॉट करता है एक्वा टेल से, क्योंकि इंफर्नो वैसे तो वीक है, पिकाचू तो एक भी नहीं ले सकता तीन लेवल के ओवर लेवलिंग के बावजूद, तो पिकाचू बेकार है गाइस। आप पिकाचू को चलाने की कोशिश मत करो, सिर्फ ऐश का पिकाचू अच्छा पिकाचू है, बाकी कोई भी पिकाचू अच्छा नहीं है। और आप जैसे आप देख सकते हो गाइस, मैंने एक फेलो भी पकड़ा था जिसे मैंने बर्न कर दिया। और आपको तो पता है तेरे भाई को इससे क्या करना पसंद है, तो हाँ मैंने वही किया। और उसके बाद मुझे धमाके की आवाज आई, तो हम तीनों बाहर आए, तीनों मतलब मैं विक और बैरी यानी कि शिवा। और हमने देखा कि सफारी जोन में कुछ एक्सप्लोजन हुआ है, तो उस एक्सप्लोजन का पता लगाने के लिए हम जब वहां गए तो वहां अलग ही सीन हो रहा था। गैलेक्टिक गन ने वहां बॉम्ब लगाकर उसे उड़ा दिया, तो जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है दोस्तों, मुझे पता है, पर कोई बात नहीं, मैंने उसका पीछा किया और उसे हरा डाला। और फिर मुझे सिंथिया मिली जो बोल रहे थे कि मुझे जाकर किसी साइड अप को हराना, तो मैंने उसका बात माना और वहां गया और सिंथिया का सीक्रेट पोशन का इस्तेमाल किया। और सिंथिया का जैसे ही मैंने सीक्रेट पोशन का इस्तेमाल किया, सारे साइड अप भाग गए। और मुझे ये नहीं पता था कि साइड अप को हेडेक होता क्यों, क्योंकि साइड अप वैसे तो है बेकार पोकेमोन, काम तो कुछ है नहीं, फिर भी वो पता नहीं उसे हेडेक क्यों आता है। और रास्ते में हमें मिली डॉन, जो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि ये हमें देगी पैसा, पर वो बुरी बात है क्योंकि इस गेम के कोड में ऐसा हुआ है कि डॉन हमेशा तुम्हें 0 रुपीज दे दिया गया। जी हाँ दोस्तों, और मुझे कहीं साइरस मिला था जिसे मैंने आराम से हरा दिया, और मुझे सर्फ भी मिल गया। फाइनली गए मेरा गेबाइट जो है वो गार्चॉम्प में बन गया। और फिर जाते जाते अचानक शिवा कहीं आँख से टपक गया और मुझे हराने का चैलेंज दे दिया, तो मैंने बोल दिया कि मैं तुम्हें आराम से हरा दूंगा। पर ये तो अलग ही लेवल का ट्रेनर है, मेरे लगभग सारे पोकेमोन को उड़ा डाला गया, लेकिन मेरा आखिरी इंफर्नो अपने कैसे वैसे करके थमा लिया भाई 4 HP में। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 4 HP में इंफर्नो अपने स्नोरलैक्स जैसे पोकेमोन को भी वन शॉट कर डाला। उसके बाद मैं गया आयरन आइलैंड, क्योंकि अपेरेंटली वहाँ वही है जिम लीडर, लेकिन उसे वो चाहता है कि मैं इस चीज़ को एक्सप्लोर करके आऊँ। तो हाँ मैं गया था इस बंदे के साथ जिसके पास लुकारियो अंदर, वहाँ बहुत सारे डबल बैटल हुए और उन सबको हमने जीता और बाहर आया। और फिर हम गए लड़ने बायरॉन से, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे पता है गाइस बायरॉन एक स्टील टाइप जिम लीडर है जो रॉर्क का पापा है। जी हाँ, रॉर्क का पापा एक्चुअली बायरॉन है, जो काफी इंटरेस्टिंग की बात है। पर कोई बात नहीं, बायरॉन का मुकाबला शुरू होता है, हमने ग्लॉइस्कोर से ब्रॉन्ज डॉन को उड़ा डाला। पर उसके बाद आया गया इस बार एग्रॉन, एग्रॉन ने हमें एक ही झटके में उड़ा दिया, इन्फर्नो ने भी एग्रॉन को एक ही झटके में उड़ा दिया।
का जंप ने स्टीलेक्स को टू शॉट कर दिया एंड बास्टियाडॉन को वन शॉट। जी हाँ गाइस, ऐसे डिफेंसिव मॉन्स्टर को भी गार्चॉम्प वन शॉट कर सकता है। और आखिरी में आया गाइस फोर्ट्रेस, जिससे मेरे गार्चॉम्प ने आराम से एक टू मारकर खत्म कर नहीं डाला। और बाहर आखिरी आया मैग्नेटॉन, जो आपको तो पता है फोर टाइम्स वीक है ग्राउंड के लिए, तो हाँ आप पता है कैसे ये गया होगा ये मैच। और फिर बाहर एक और धमाका हुआ, भाई कितने धमाके होते रहते हैं यार इस गेम में, मैंने आज ही नोटिस किया, तो काफी इंटरेस्टिंग बात है। और अभी तक लगभग 40-50 घंटे हो गए थे गाइस। जी हाँ यार, लगभग 7-6 जिम बैच इकट्ठा करने में 40-50 घंटे लग जाते हैं, क्या बोलूं यार, क्योंकि ओवर ट्रेनिंग करनी पड़ती है और काफी मस्ती भी करनी पड़ती है। और जी हाँ गाइस, आज आप देख सकते हो मैं रात के 1:30 बजे ये रिकॉर्ड कर रहा था, राइट साइड पे टाइम में आप देख सकते हो मैं ये रात के 1:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा था। तेरे भाई के मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है मेरे दोस्त। और रास्ते में मिला सैटर्न, जिसे मैंने आराम से हरा दिया, तो काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि सैटर्न थोड़ा सा मुश्किल था, मैं जूझने भूलूंगा। इसके पास एक मेगा टायरानिटार था। हाँ गाइस, इस गेम में मेगा भी है पर वो थोड़ा कुछ ही ट्रेनर के पास है, जैसे आप देखोगे फ्यूचर में सिंथिया के पास कौन सा मेगा है जो काफी डेंजरस है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। टर्न सैटर्न को हराने के बाद हम गए गैलेक्टिक हेडक्वार्टर्स में साइरस को मारने के लिए, पर उसे मारने से पहले मुझे जाकर डॉन को बचाना पड़ेगा, तो मैं फटाफट गया गाइस डॉन को बचाने के लिए लेक आकुटी में, जहाँ डॉन पिट गई है। तो मैंने वहाँ बैठी थी ऑफकोर्स मार्सी होगी और कौन होगा, तो मैंने मार्स को हरा कर डॉन को बचा लिया। लेकिन मुझे मार्स को हराने के लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ी, जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा, जो था क्लोस्पोर पॉइजन। अब आप लोग सोचोगे प्रणव स्वेलो से बर्न होना समझ में आता है, ग्लॉइस्पॉर से पॉइजन क्यों हो रहा है बे तू, तो ग्लॉइस्पॉर के पास एबिलिटी पॉइजन ही, जिसका मैं पूरा पूरा फायदा उठाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने इसे पॉइजन कर रखा था गेम से पहले ही, ताकि ये पॉइजन रहे और यान मेगा मेगा इवॉल्व हो सकता है। बे मुझे पता नहीं था, गेम में कुछ फेकीमॉन भी है लेकिन बहुत ही कम ट्रेनर के पास वो फेकीमॉन मौजूद है इस गेम के, तो हाँ मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ये गेम जरूर ट्राई आउट करना, क्योंकि मुझे काफी मजा आया। मैं झूठ नहीं बोलना चाहूंगा कि इस गेम में मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया, मुझे काफी मजा आया और गेम में थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर गेम आसान होना चाहिए, ठीक है, अगर हर गेम आसान होगा तो क्या फायदा है, सीरियसली कोई भी फायदा नहीं है। हाँ, मैं गया नीचे स्नोफॉल सिटी टेम्पल में, जहाँ मुझे मिला रेजिगिगस जो सो रहा था, तो मैंने उसे सोने दिया और मैं गया कैंडिस के पास उसे आइस टाइप जिम लीडर को हराने। और जैसा आपको पता ही है मेरे पास इंफर्नेट जैसे खतरनाक पोकेमॉन है, तो कैंडिस तो केक वॉक होगी गाइस मेरे लिए। तो स्टार्टिंग हुआ वामस्नो से, उसे मैंने मीटियर मास से उड़ा डाला, एमोस्वाइन को भी मीटियर मास से उड़ा डाला, और फिर मैंने ग्लेशियर को थोड़ा सा डैमेज दिया स्पेलों से, और फिर प्राइमरी पे फिनिश कर डाला, और फिर वीवल ने मुझे फिनिश कर दिया, और फिर मैंने भेजा चार्जआउट के वीवल को खत्म करने के लिए, एंड मैंने फोकस ब्लास्ट मारा वॉल्ड्रेन को जिससे कुछ भी डैमेज नहीं पड़ा, और फिर प्राइमेप ने फिर से आकर खत्म कर दिया, और फिर आखिरी पोकेमॉन था फ्रॉस्ला जिसे मेरे इंफर्नेट ने आराम से फ्लेविन से खत्म कर डाला। इजी जिम बैच, एक ही जिम बैच बचा, लेकिन उससे पहले हम गए गैलेक्टिक हेड क्वार्टर्स, क्योंकि शिवा एक नंबर का बॉट है और वो गंदी तरीके से हार गया थर्ड एडमिन से। मैंने लिटरली गए दो एडमिन को संभाला और शिवा एक एडमिन नहीं संभाल सकता, अबे क्या गुंडा बनेगा शिवा तू। और फिर मैं गया, जी हाँ, गैलेक्टिक बॉस साइरस के हेडक्वार्टर्स में, जहाँ उसने बहुत ही मास्टर स्ट्रेटेजी बना रखी थी मुझे हराने के लिए। पर आपको तो पता है तेरा भाई बहुत ही ज्यादा तेज, समझदार एंड स्मार्ट है, तो मैंने उसे आराम से हरा दिया मेरे इंफर्नेट के बहुत ही डेंजरस कॉम्बिनेशन के साथ। और उसने मुझे दिया मास्टर बॉल, जिसे मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, जिसका बहुत दुख आज भी मुझे है, पर कोई बात नहीं। मैं गया नीचे और मैंने सारे इलेक्ट्रिक को आराम खोल दिया, और फिर गाइस अब आता है द मोस्ट अमेजिंग एनिमेशन,
वन ऑफ द बेस्ट एनिमेशन जो मैंने पोकेमॉन गेम्स में देखा है, सच झूठ नहीं बोलूंगा। मैक्सी, युक्सी, मेस्पिरिट, स्पिरिट, यस एजल, ये तीनों आते हैं और ये लोग कुछ गड़बड़ करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले साइरस को कोई अंधा पागल आकर लेकर चला जाता है जो थोड़ा बहुत जिरेटिना की तरह लग रहा था। तो सिंथिया मुझे एक्सप्लेन करती है कि जिरेटिना एक अलग दुनिया है डिस्टॉर्शन वर्ल्ड नाम का। अब ये वन ऑफ द बेस्ट फीचर है इस गेम का मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि इसमें काफी अजीब अजीब के एनिमेशन दिख रहे होंगे। जो गाइस मैंने ये प्रोग्राम तो कर रखा है, पर ये प्रोग्राम करना बहुत ही मुश्किल है गाइस। इस एक चीज को, इस एक वाटरफॉल को बनाने में लगभग 1 से 2 घंटे लगे होंगे भाई लोग। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये डिजाइन कर रखा है तो मुझे पता है कि ये कैसा है। और ये लेख रहे हो पता नहीं क्या बोल रहे थे, ये लोग बोल रहे थे कि मुझे स्टोन डालना है किसी पत्थर में, तो मैंने वो सारे स्टोन डाले और फिर साइरस आ गया भाई डियालो और पालका लेके, वो भी लेवल 70-70 का। पर तेरा भाई प्रो है, ऐश है, तो आराम से हरा जाएगा दास के टीम की तरफ। और मैंने अभी अभी नोटिस किया मेरे पास बहुत सारे पोकेमॉन हैं। ये सीरीज को खत्म करने तक मेरे पास लगभग 30 से 40 ऐश के पोकेमॉन थे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस्तेमाल क्या करूँ इनके लिए। तो मैंने द बेस्ट 6 लिया और फैन बेस वन भी लिया था, क्योंकि आप लोगों को तो फैन बेस वन भी चाहिए, आप लोगों को पावरफुल वन चाहिए नहीं। और गाचा को क्या मुझे ऐश का पोकेमॉन कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि उसने टेक्निकली उसके पास एक गाचांप है, क्योंकि उसने सन एंड मून में एक गाचांप को पकड़ा था अगर आपको याद है, मतलब उसके ऊपर राइड करता था। तो क्या वो टेक्निकली ऐश का पोकेमॉन हुआ, पता नहीं, आप मुझे कमेंट में बताओ। और मैंने आराम से जिरेटिना को हरा दिया और साइरस पता नहीं वापस डिस्टॉर्शन वर्ल्ड के अंदर चला गया, पता नहीं वो क्या करना चाहता था। पर देखते हैं साइरस कभी आता है कि नहीं फ्यूचर में। और उसके बाद हाँ, अब कोई भी मुझे पोकेमॉन लीग में जाने से नहीं रोक सकता है सिवाय वोल्कनर के, जिसे मैं आराम से हरा देता हूँ, क्योंकि ये बेसिकली एक इलेक्ट्रिक टाइप जिम है। और अभी तक मैंने बहुत सारे ग्राउंड टाइप जिम, ग्राउंड टाइप पोकेमॉन और ग्रास टाइप पोकेमॉन इकट्ठा कर रखा था, तो ये जिम एक नंबर का पीस ऑफ केक था मेरे लिए। मैं जो नहीं बोलना चाहूंगा आप लोगों को, पर वॉल्नर बहुत ही सैड था क्योंकि उसे कोई स्ट्रॉन्ग बैटलर नहीं मिल रहा था। अब वो जीवन भर इस बैटल को याद रखेगा कि प्रणव कितना स्ट्रॉन्ग है गाइस। जी हाँ, और अब हम जाने वाले हैं पोकेमॉन लीग, तो क्या मैं कभी बन पाऊंगा पोकेमॉन चैंपियन? वेल लेट्स फाइंड आउट। लेकिन उससे पहले हमें ऑफकोर्स बैरी के साथ यानी कि शिवा के साथ लड़ाई करनी पड़ेगी। और शिवा बोलता है कि प्रणव मैं बहुत ही ज्यादा टफ हो चुका हूँ, मुझे हरा कर दिखा। तो मैं बोलता हूँ तू रहेगा तो नो भी पोकेमॉन गेम्स में, क्योंकि तुझे स्ट्रैटेजी वैटेजी तो बनानी आती नहीं गई, ये बस मारता रहता है सुपर इफेक्टिव या नॉर्मल इफेक्टिव मूव्स। पर हाँ, हमने आराम से हेरा क्रॉस करा दिया। फिर अब शुरू होता है असली मुकाबला, एलीट फोर नंबर वन एरन, जिसने मुझे एक्चुअली हराया था, तो मैंने दिखाया नहीं, तो मैंने अपने सोलो को इससे पहले मैच से पहले बर्न कर रखा था, जिससे फसाद 50% बूस्ट हुआ और इसके एबिलिटी के कारण गट्स 50% और बूस्ट हुआ, मतलब फसाद 100% ज्यादा डैमेज देता है जितना उसे देना चाहिए। मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैंने कितना तगड़ा प्लानिंग कर रखा था इस मैच से पहले। नेक्स्ट है बर्ता, जिसका मेरे पास एक और स्ट्रैटेजी था, पर वो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा। टायरानिटार गया, स्वैम्पर्ट आया, स्वैम्पर्ट भी गया, उसके बाद मैमोस्वाइन आया, मैमोस्वाइन नहीं मैं गया, उसके बाद स्वेलो ने मैमोस्वाइन को गया, और उसके बाद मैंने लुकारियों को भेजा, और उसके बाद डक्ट्रियो को उड़ा दिया, और उसके बाद गार्चाम ने डक्ट्रियो को उड़ा दिया। जी हाँ, लुकारियों ने भी डक्ट्रियो को उड़ाया और गार्चाम ने भी डक्ट्रियो को उड़ाया। अब ये कैसे हुआ आप मुझे कमेंट में बताओगे। और आखिरी में आया क्लेडॉन, मुझे लगा मैं मरने वाला हूँ, पर मैंने थोड़ा स्ट्रैटेजी लगाकर 4 स्वॉर्ड डैम सेटअप करके उसे वन शॉट कर दिया। आखिरी में था राइपीरियर, जिसके पास आइस पंच नाम का एक खतरनाक मूव था, पर That does not matter when you have 4 sword dance set up. Third elite 4 member है Flint, fire type gym है, मतलब elite 4 member. Dark Gold को खत्म कर दिया मैंने, और फिर आया एक बार Pokemon Hunter, जिसका नाम है Typhlosion, जिसने सोलर भी मार के मुझे मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा कम कर रखी थी, तो मैंने स्विच करके Swallow में स्विच करके Typhlosion को वन शॉट कर डाला।
कुछ पता नहीं है टाइपोजिन ने मुझे आउटफिट नहीं क्यों किया, क्योंकि टेक्निकली स्वेलो मुझे आउटफिट करना चाहिए। आप मुझे कमेंट में बताओ यार कुछ गड़बड़ हुआ है टाइपोजिन के साथ। पर एक ड्रिपलेम आया जिसके लिए मुझे पिकाचू का थंडरबोल्ट इस्तेमाल करना पड़ा गया। फाइनली मैं पिकाचू को इस्तेमाल कर रहा हूँ। और आखिरी में था हाउंड जिसके लिए मेरे पास था सेप्टाइल का फोकस ब्लास्ट। आखिरी मेंबर है लुकियन जिसके लिए ज्यादा स्ट्रेटेजी बनानी नहीं पड़ी। मेरे पास टेक्निकली तो कोई पोकेमोन नहीं था जिसके ऊपर सुपर इफेक्टिव डैमेज कर सके, तो एक ही उपाय था स्वेलो को बर्न करो और लुशियन को खत्म करो। अनलेस लुशियन के पास था एक मेडिचैम जिसके पास था आउटरेज, जिससे मैं बहुत ही ज्यादा लो हो गया और स्वामी ने मुझे आकर खत्म कर दिया। पर कोई बात नहीं, स्वेलो ने फिर से आकर स्टार्मी को उड़ा दिया और इंफर ने अपने फ्लैट ब्लिट से एग्जीक्यूटर को उड़ा दिया। आखिरी में आया गलेट जिसे इंफर ने अपने फ्लैट ब्लिट से मार दिया। भाई इंफर ने फ्लेयर ब्लिट ओपी कॉम्बो। और अब आ चुका है द अल्टीमेट फाइट यानी कि चैंपियन सिंथिया। चैंपियन सिंथिया लीड ऑफ करती है वन ऑफ द मोस्ट ब्रोकन पोकेमोन स्ट्रोके किस के साथ, जिसे मैं लुकारियो से मीटियर मैश मार के उड़ा देता हूँ। नेक्स्ट आता है द मोस्ट डेंजरस पोकेमोन जिसका नाम है लुकारियो। लुकारियो वर्सेस लुकारियो मैं नहीं करना चाहता था क्योंकि मेरा लुकारियो थोड़ा कम लेवल का, तो मैंने गार्टियम को बेच कर लुकारियो को उड़ा डाला। और फिर आई इस बार माइलोटिक और उसने फिर से स्विच किया गार्टियम में और मेरा ओपी स्ट्रैटेजी हो गया फेल क्योंकि स्वेलो चला गया। अब स्वेलो जाने के बाद कोई भी मेरे टीम में गार्टियम को वन शॉट नहीं कर सकता था, तो मुझे एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी बनानी पड़ी। मैंने इंफर्नेट को भेजा और क्लोज कॉम्बैट मारा तो लगभग 50% हेल्प कर दिया था। उसके बाद मैंने पिकाचू को बेच के आयरन टेर मार के गार्टियम को काम तमाम कर दिया। और आखिरी दो पोकेमोन में से एक था ग्लेसियन जिसे मैंने फोकस ब्लास्ट मारा पर उसने मुझे उड़ा दिया। कोई बात नहीं गाइस, एंड द फाइनल पोकेमोन द सेकेंड टू फाइनल पोकेमोन है गाइस माइलोटिक, मतलब माइलोटिक ही फाइनल है, पता नहीं मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। पर उसने फुल रिस्टोर इस्तेमाल कर लिया, तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, बट आई डोंट केयर। मैंने माइलोटिक को हरा दिया स्पिरिट टू माय बार, मैंने एक स्वॉर्ड हैंड सेटअप किया, एक आउटरेज मारा स्पिरिट टू सत्ता। इसी के साथ मैंने पोकेमोन रेनेगेड प्लैटिनम को 100 घंटों के लिए खेल के दिखा दिया कि मैं एक प्रो प्लेयर हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो भेज दीजिए हमारे इस वीडियो को लाइक और करो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि तेरे भाई ने किया है बहुत मेहनत लगभग 100 घंटों और 9 मिनट के लिए इस गेम को खेल कर। तो अगर आपको एक और गेम ऐसा ही देखना चाहिए, मैं मिलूंगा आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।